जय हिंद। हम इस वक्त हैं सीरिया में। वालेकुम अस्सलाम। ब्रेकफास्ट टेबल पे लग चुका है। यहाँ पर वेजिटेरियन भाइयों के लिए खुशखबरी है कि गुड कच्चे से राजमा है। थैंक यू, शुक्रान। राजमा बस मुबाशर आ जाए। सही कह रहा तू जो कह रहा है। इधरा क्या चाहिए? क्या? शाहरुख खान। हाँ, अपना भाई है। विलेजेस ऐसे टाउन्स आए जहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं था, अबेंडेंट थे बिल्कुल। रास्ते में जगह जगह बोर्ड आ रहे हैं वेलकम टू इदलिब, और फिर से हमें एक चेक पॉइंट पे रोक लिया है। अभी भी पूरा मतलब जोश में हो आप, है ना, जीवन के। अलेप्पो सिटी में एंट्री कर चुके हैं। तो कोई 2.5 घंटे बाद हम पहुंचे हैं अलेप्पो सिटी में, और दर्दनाक नज़ारा वही जो पूरे सीरिया में हमें देखने को मिला। शानदार बिल्डिंगें लेकिन टूटी हुई, गोलियां लगी हुई, बुरे हाल। मेरे पीछे आप शटर देख सकते हैं गोलियों से छलनी, इधर एक और ये शॉप, ये सब गोलियों से छलनी। सब 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 जगह, कोई ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ गोलियों के निशान ना हो इस शहर में, जहाँ बिल्डिंगें टूटी ना हो। धीरे धीरे रीस्टोर हो रहा है लेकिन कितना होगा पता नहीं। और ये इतने गरीब देश हो चुके हैं अभी, जो एक बहुत अमीर देश थे वॉर की वजह से, लेकिन फिर भी ये गोलियाँ, ये गोला बारूद, ये सब कहाँ से आ रहा है, सब शायद आप लोग सोच भी रहे होंगे। ये सब जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनका करादरा होता है, और उनके पीछे रीज़न है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं और दूसरे देशों को कमज़ोर करने की चाह रखते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत गहराई की बातें हैं ये, हम उनमें ना जाएं तो ठीक रहेगा। लेकिन मैं फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस देश के हाल को देख के, कि यार अपने देश को संभाल लो, किसी भी बात के पीछे मत लड़ो, छोटी छोटी बातों पे। और जो हमारे नेता लोग हैं जो भड़काऊ भाषण इधर उधर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो झगड़े हैं ना, ये किसी दिन ये हाल कर देंगे हमारे देश का। और इस हाल को करवाने के पीछे बाकी देश लगे रहते हैं, लगे रहेंगे। आपको अगर ऐसे ही अपने देश का, अपने घर का हाल करवाना है, छोड़ के अपना देश भागना है, भिखारी बनना है किसी दूसरे देश में जाके, आपके बच्चे, हमारे बच्चे भीख मांगे किसी दूसरे के देश में जाके, हाथ जोड़े अपने महलों जैसे घरों को छोड़ के, तो भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मत लड़ो आपस में बेमतलब की बातों को। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो मैसेज आते हैं ना उल्टे सीधे, मत उन पे ध्यान दो। और अगर कोई मैसेज आ भी रहे हैं तो एक बारी सच्चाई तो जान लो। छोटा सा कोई मैसेज आ गया किसी बात का, लड़ने भिड़ जाते हैं, नेता आ जाते हैं बीच में, बोलने लग जाते हैं। मेरे को मतलब गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को देख के, कि किसी दिन ऐसा कोई हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ तो हमारा क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो। अलेप्पो सिटी में इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये जगह कासल के पास है, जो अलेप्पो सिटी का एक अट्रैक्शन है। और बड़ों ने कहा है कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो एक शॉप थी यहाँ पे, बहुत अच्छे बर्गर बना रहे थे, हमने मंगाए बर्गर और कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर टर्किश कॉफ़ी का रिवाज है, और अगर आप कॉफ़ी पीने वाले हैं तो शायद, पता नहीं, जिसने पी हो तो ठीक है, नहीं तो टर्किश कॉफ़ी मेरा तो मुँह ऐसा कर देती है ख़राब, कि मतलब अगर कुछ खा पी भी रखा है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप अगर कॉफ़ी पीना चाहते हैं और वो इंडियन स्टाइल की पीना चाहते हैं, तो जब भी यहाँ आएँ इन्हें मना करें कि नो टर्किश कॉफ़ी। टर्किश कॉफ़ी इतनी कड़वी और गाढ़ी होती है, अजीब सा ही टेस्ट होता है, मुझे अच्छा लगा नहीं, आप लोगों को लगता हो तो पता नहीं। चलो फिर बर्गर खाते हैं, और ये हमारे पीछे जो शॉप है उस पर सीरियन फ्लैग लगा हुआ है। आ जा ले ले, आ जा। फिर आ गई एक और बिल्ली, अभी डर रही है, पहले खुद खा लें फिर खिलाएंगे इसको। बर्गर बढ़िया था, था तो चिकन बर्गर, लेकिन चिकन खा गई बिल्ली और कॉफ़ी पी गई मक्खी। यहाँ पर मक्खियाँ हैं, जॉर्डन में भी थी मक्खियाँ और यहाँ पर भी मक्खियाँ हैं सीरिया में। यहाँ पर मच्छर वगैरह नहीं है, वो ठीक है बात। बिल्ली है रोडों पे, कुत्ते भी कहीं कहीं थे, जॉर्डन में तो थे, यहाँ सीरिया में देखे नहीं। नो मिल्क फॉर मी, नो, थैंक यू, ब्लैक कॉफी, थैंक यू। कम 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 कम, हेलो,
हेलो। सीरिया में जो खाना पीने की क्वालिटी है बहुत अच्छी है और जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर एक बंदे के लिए कोई डिश मंगाई तो वो ख़त्म नहीं होती एक बंदे से, हमसे तो हुई नहीं ना, परमवीर अभी तक ख़त्म कर पाया कोई भी अपनी डिश, ना मैं ख़त्म कर पाया, मतलब पूरी नहीं खाई जाती, थोड़ी बहुत छोड़ ही देता परमवीर भी, मैं भी छोड़ देता हूँ। और दो बर्गर, तीन कॉफ़ी, एक लस्सी, इसका बिल आया सिर्फ 530 इंडियन रुपीज़ के बराबर। तो काफ़ी सस्ती जगह, और बर्गर इतना भारी था कि लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ा बर्गर था। शौरमा भी था, आयरन भी थी। परमवीर जी वहाँ खड़े हैं और हम जा रहे हैं सिटेडल में। हमने अपने बैग कार में रख दिए हैं और जो पासपोर्ट वाला बैग है वो भी कार में रख दिया। वैसे रखना नहीं चाहिए पासपोर्ट वगैरह वाला बैग, लेकिन ये अरब कंट्रीज जो हैं वो बहुत सेफ़ हैं। गजवान ने बताया कि कभी भी यहाँ पर ऐसी चोरी चकारी की कोई घटना नहीं होती। वैसे इनकी कंट्री है बोलेंगे तो भी ठीक नहीं लगता, हर कोई अपनी कंट्री को अच्छा बता के चलता है। सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अरब कंट्रीज़ में ऐसा चक्कर नहीं है। वाकई ये जो एरिया है इसके आसपास वाला, सिटेडल के आसपास वाला, काफ़ी पुराना लग रहा है। दमस्कस के बाद अब ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है सीरिया का। पहले ये नंबर वन होता था, लेकिन अब जब से वॉर वगैरह हुई उसके बाद ये नंबर टू हो चुका है। यहाँ से काफ़ी लोग जा चुके हैं, रिफ्यूजीज़ बन गए हैं और या दूसरे शहरों में बस गए हैं जाके। नमस्ते। क्या से वन मोर टाइम या वन मोर टाइम। बच्चे हैं बस। क्या कह रही थी? ये अरबी और हम हिंदी। हिंद हाँ हिंद। ये लड़की देख लो, सारा अली खान जैसी लग रही है ना, बिल्कुल सारा अली खान जैसी। यू नो हिंद, इंडिया, शाहरुख खान। एक आइडेंटिटी तो इंडिया की अरब देशों में है, वो है शाहरुख खान। हिंदी। बच्चे बच्चे ही होते हैं। नो नो अरबी, माफी अरबी, माफी अरबी। व्हाट दे आर सेइंग? انت من وين؟ قال لك من الهند. ايه اطلع على المادي ولا من الهند؟ What are they saying? She told me, I like Indian dancing. You like Indian dancing? Bhangra? Indians can dance anywhere. This episode. Serial? Good. Thank you. God bless you. Allah बच्चे पूरे एक्साइटेड हैं। इंडियंस को डांस ठीक है एपिसोड्स। यस इनका कल्चर बहुत ओपन है। यहाँ सीरियन जो लोग हैं काफ़ी ओपन हैं और बोलते हैं चलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लड़कियाँ हैं वो छुप जाएं, बड़ी हों छोटी हों सब बात वगैरह कर लेते हैं, किसी से भी बात करो तो। सारा अली खान है भाई। और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर तो भाई, बहुत सारे बच्चे। डन। टू। दो कॉफी मैं वैसे ही पी चुका हूँ भाई। बच्चे बहुत खुश है परमवीर हैं। अच्छा हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस, अलेप्पो पुलिस एंड द कोर्ट रूम्स डिस्ट्रॉयड। लुक एट द मॉस्क आल्सो गोज बैक टू ममलूक टाइम बिफोर ओके।
सिटेडल के अंदर हम आ चुके हैं और सिटेडल की दीवारों पे भी इतनी गोली लगी हुई है। यह किला भी कभी ना कभी लड़ाई का केंद्र रहा होगा क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है और कोई भी रेबल या सेना जो भी यहाँ रही होगी जिसके भी कब्जे में यह होगा, काफ़ी लड़ाई हुई है, बहुत गोलियाँ लगी हुई हैं इसके ऊपर भी। किले में आने की एंट्री फीस भी लगती है जो लगी है लगभग 50 इंडियन रुपीज़, कुछ ज़्यादा नहीं है। और काफ़ी लोग आ रहे हैं, ये शायद एक डेलीगेशन आया हुआ कहीं बाहर से, अफ्रीकन कंट्रीज से, हेलो हाउ आर यू। और ये किले के गेट पे भी गोलियों के निशान, सारे गोलियों के निशान तो ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब जैसे पेंटिंग्स हैं, एक अलग ही नज़ारा बना दिया इन्होंने, सजा दिए गोलियों के निशान से सारी बिल्डिंगें। बाकी कुछ बिल्डिंगें नई बन चुकी हैं, मैंने आपको बताया, कुछ बिल्डिंगें हैं जो वैसी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर ये पीछे सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, कोर्ट्स थी, पुलिस स्टेशन थे, हेडक्वार्टर था पुलिस का, काफ़ी कुछ यहाँ पर था और ये सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, वही गोलियाँ, बमबारी, सब कुछ, सिविल वॉर। बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाया हुआ किला है ये, ऊपर से ये तेल वगैरह गर्म डाल देते थे जब कोई गेट में घुसने की करता था कोशिश उस टाइम। और जो ये मेन गेट है इस पर इतना स्पेस भी नहीं है कि पीछे से कोई बड़ा कुछ चीज़ ला के इस गेट को तोड़ा जाए, गेट को नहीं तोड़ा जा सकता था। इंडिया इंडिया नो पाकिस्तान इंडिया। हमें किले के टॉप पर और किला हमने फतेह कर लिया है, किला भी सीरिया का फतेह किया है। परमवीर जी कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी मेहनत करता भाई, कितनी मेहनत करता, सच में मत कूद जाइयो, वीडियो के चक्कर में कहीं कूद जाए भाई, यूट्यूबरों का कुछ नहीं पता बेचारे, हम बहुत मेहनत करते हैं और तुम लोग लाइक भी नहीं करते यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इतनी मेहनत कर रहे हैं देखो हम लोग, कहाँ कहाँ आ गए जान पे खेल के, ठीक है कह लो पागल कह लो कुछ भी कह लो, आए तो हैं आपको भी दिखा रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ शायद आना पॉसिबल ना हो पाए आपके लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे भी, और सोचना भी बेकार है, मत सोचना, हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे यहाँ आने के लिए, फ़िलहाल मत आना, कुछ है भी नहीं ऐसा, डर का माहौल तो है ही, जब तक अभी कुछ जो इनके शहर हैं वो आपस में तैयारियां कर रहे हैं दोबारा से सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई करने की, तो कुछ नहीं पता यहाँ कब जंग दोबारा छिड़ जाए, लेकिन ना छिड़े तो बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हैं यार जिन्होंने, जो वॉर के बाद दो चार साल हो गए यहाँ पर वॉर को जो रुकी हुई है, उसके बाद हुए हैं वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कम से कम हंस रहे हैं, उनकी भी हंसी चली जाएगी अगर इन कुछ हुआ तो, यार बोला नहीं जा रहा एक्चुअल में, है ना बेटा? सही है, जो मर्जी कहते रहो अरबी में, लेकिन हंसते रहो, राइट। सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक कर देना, ट्रैवलिंग मंत्रा और पैसेंजर परमवीर कैमरा, यस। बच्चे देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, लोग बहुत सुंदर हैं यहाँ के, इसको देखो स्टाइल, ये यू गर्ल तो देखो स्टाइल, देखो हीरो है तो बच्चे लोग बहुत सुंदर हैं यहाँ पर यार, अच्छे भी हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव हिंदी लव सीरिया, नाम हेलो सूर्य, बस यार इतनी आती है अरबी, माँ सलाम, इतनी हद, बाय बाय, लव यू। अभी सारा खंडर हो गया ये किला, और किले तो यार इंडिया में अपने बेस्ट हैं, इंडिया के किलों का मुकाबला है। परमवीर कौन कौन से किले देखे हैं इंडिया में? मैं नाम नहीं याद इतने, एक तो आमेर का किला है जयपुर, हाँ वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, उदयपुर में भी है शायद, है ना? हाँ सब जगह अपने किले, दिल्ली में ही बहुत हैं, पुराना किला, लाल किला, और बहुत प्रिजर्व कर रखे हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं हमारे देश वालों ने किले जो हैं। और किलों की एक और खासियत है आशिकियाँ, हर किले में आशिकी चलती मिलेगी, यहाँ भी बहुत चल रही है
पूरी आज की चल रही है देख ले, दुनिया के जितने भी किले हैं ना उनमें ये काम जरूर होगा, आज की चलती जरूर मिलेगी। सही कह रहा हूँ ना? आप लोग जिस जिस किले में जाते हो बता दो जरा किस किस किले में कौन कौन जाता है, और हर किलो में ऐसे छप्पर वाले कोने भी होते हैं, एक कपल इसमें भी घुसा है। घुसे रहने दो यार, जाना ठीक नहीं है, बेचारों का टाइम ख़राब कर देंगे। देख रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के, मौका ढूंढ रहे होंगे। चलो इनको मौका दे देते हैं और हम आगे चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। पीछे ही बढ़ जाते जो भी यहाँ मिलेगा। कुछ लोग परमवीर को पकड़ रहे हैं, कुछ मेरे को पकड़ रहे हैं, खुश हैं बहुत देख के ना। अच्छी बात है, खुश रहे। बहुत जुल्म देख लिया, बहुत पंगा देख लिया इन्होंने। सारा जो भी सिटी दिख रही है, इतनी सुंदर सिटी होगी, क्या बुरा हाल हो रखा है देखो। काफ़ी अमीर लोग थे। करेरा माई फेवरेट ब्रांड। करेरा हाँ, माई फेवरेट। आई हैव फोर करेरा। करेरा आई लाइक या है अरमानी। अमीर लोग थे भाई ये लोग। बहुत अच्छे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छे इन्होंने जो एक्सेसरीज हैं वो इन्होंने कैरी की हुई हैं। काफ़ी अच्छे लोग हैं यार। क्या इस देश को शिट, क्या सत्ता का लालच, क्या यार दुनिया। हंसी आते आते रुक जाती है यहाँ पर, पता है। अच्छा लग रहा होता फिर याद आता है यार यहाँ हुआ क्या, क्या हो गया इन लोगों के साथ। जो भी वजह रही, जिस भी तरह से, होना नहीं चाहिए था ऐसा कुछ भी। और एक ये हमें यहाँ पर परिवार मिला है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब और सऊदी में मैं गया था, वैसे नहीं है यहाँ के लोग सऊदी की तरह, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। लेकिन जो सीरिया के लोग हैं, मतलब लड़के लड़कियाँ सब ओपन हैं, अच्छे हैं, बात करो बात करते हैं और खुद से भी बात करते हैं। तो ये एक टीचर हैं सीरिया में, ज्योग्राफी। शी इज़ योर मदर? ये एंड ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। और ब्यूटीफुल लोग हैं, हमारा परमवीर भी वहाँ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू आर गुड पीपल। खुद से ही बोले कि भाई फ़ोटो खिंचवा ले, और सब बोल रहे हैं फ़ोटो खिंचवा ले। सऊदी अरब में थोड़ा डर था, खिंचवा ले छोड़ो, सऊदी अरब में ऐसा लग रहा था कोई मतलब वीडियो में लेडी ना आ जाए, उसका भी डर लग रहा था। और बहुत जगह वहाँ वीडियो डिलीट भी करनी पड़ी थी इस वजह से। बट ठीक है, हर कंट्री का अपना कल्चर है, अपना एक स्टाइल है। किला हमने देख लिया है, अच्छा था, कुछ अच्छे लोग मिले। और मैं फिर कहूँगा अगर किले देखने हैं तो इंडिया आओ, इंडिया में आओ, दिखाते हैं आपको किले। अरब कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, सऊदी अरब की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि सीरिया जो है इसे अरब यूनियन जो है अरब देशों से इसको निकाल दिया गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो कंट्री है ये बाथिज्म को सपोर्ट करती है। बाथिज्म एक तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, विचारधारा है राजनीतिक, वो जैसे हमारे लोकतंत्र है और कम्युनिज्म है, और इसी तरह से बाथिज्म भी है। बाथिज्म सिर्फ सीरिया और इराक में पहले था, अब सदाम हुसैन साहब चले गए हैं तो वहाँ नहीं है, लेकिन पहले था। और अभी यहाँ पर ये कंट्री जो है अकेली ऐसी कंट्री है जो बाथिज्म को सपोर्ट करती है, उस विचारधारा को मानती है, और इस वजह से इसको जो है अरब कंट्रीज से अलग कर दिया गया है। और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 2019 में इसको अरब नेशन से निकाला गया था। तो अभी ये यहाँ लोग जो हैं वो अरब हैं, लेकिन जो अरब यूनियन है उसमें सीरिया देश नहीं आता है। और सिटेडल के बिल्कुल सामने ही है ये एक ओल्ड सूक, सूक कहते हैं बाजार को।